दिखाई महाराज, लेकिन सपन तो झूठा भी हो सकता है महाराज। क्या महाराज सपन झूठा नहीं होता है महाराज? महाराज महाराज स्वप्न कोई कोई स्वप्न झूठा होता है, लेकिन मुझे मेरा आत्मा विश्वास दे रहा है। यह सपना मैं कहूं सुना मुझे मालूम होता है जो सच्चा होता है। आंखों सपना ये देखी आए राम राम कपिलोरा काले जाए सपना राजा हरिश्चंद्र का दरबार जय जय गुरुदेव। क्या बात है महाराज, आज मेरे राज दरबार के सामने आ चुके हैं महाराज। अरे खामो दो जब खामो दो जब। अरे हाथ में जो जिसके पास तलवार है उसको रख करके हमसे बातचीत करो, नहीं तो अभी मैं शराब दे दूंगा जल करके तूने फंस हो जाएगा। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अपने आवोश में आकर के आपको भला बुरा कह दिया। तूने चाकू दिखा रहा था, एक बार बोलो मंत्री। क्या महाराज, इस समय तुम्हारी महाराज दरबार में है या नहीं है? हे बाबा, मेरे महाराज तो अभी अभी अपने भवन में विश्राम करने को गया है महाराज। क्या स्थिति में तुम्हारे महाराज सिंहासन में विश्राम करता है? सुनो मंत्री, जा करके तुम अपने महाराज से कह दो कौशिका विश्वामित्र अपने शिष्य के साथ आपसे मिलने के लिए आया है, जा करके कह दो। मैं तो जा करके अवश्य कह दूंगा, लेकिन मेरा भी शर्त है। क्या? जब तक मैं अपने महाराज से आज्ञा ना लो तब तक
आप लोग गेट के अंदर मत जाइएगा बाबा। अरे मंत्र क्या कर जब तू खाता, यह संत कहीं जाने वाले नहीं है, जाओ तब तक मैंने यही विश्राम करता हूं। महाराज 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 मंत्री महाराज क्या बात है, आज अपने राज दरबार में दो साधु का आगमन हुआ है महाराज। क्या साधु? हाँ महाराज, इतनी सवेरे सवेरे, ठीक है, साधु तो स्वयं भगवान का दूसरा रूप है, साधु को जाओ आदर सहित दरबार ले आओ। आइए बाबा बाबा आइए, ठीक है चलो। नारायण 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 नारायण, हेलो मंत्री, चलो चलो मंत्री आगे चलो। हाँ तो आप है दान देने वाले दाता पिट्ठू अफसिया ठेकेदार, पिट्ठू बाबू अफसिया ठेकेदार का दिल में लगा सच का कहानी का चोट, तो निकल गया 251 रुपया का नोट। पिट्ठू बाबू को सब नारायण भगवान भला करेंगे, और बिगड़ल काम को विमल बनेंगे भगवान, जय हिंद जय भारत। राजन राजा हरिश्चंद्र की जय हो, राजा हरिश्चंद्र की जय हो, जय हो जय हो। जब से मैंने अयोध्या दरबार में पेश किया हूँ, जिधर देखता हूँ राजा हरिश्चंद्र का जय जयकार होता है। हाँ हरिश्चंद्र की जय हो, जय हो हरिश्चंद्र की जय हो। महाराज सिंहासन संत को शोभा नहीं देता है राजा, सिंहासन से राजा महाराजा बैठता है, संत को आना जाना थोड़ी मिट्टी पर संत ने आराम करता है। हे प्रभु बोलो, मेरा तो कर्तव्य बनता है अतिथि देवता की सवार होती है, उसमें भी आप लोग तो संत हैं, सवेरे सवेरे मेरे दरबार में पधारें। राजन आसन ग्रहण कीजिए। राजन आप ये बताइए, आपने हमें पहचाना या नहीं पहचाना राजन? हे प्रभु कुछ कुछ अवश्य पहचानते हैं,
हमारे दरबार में कितने संत महात्मा आते हैं, भटक भी जाते हैं। राजा आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा, तब तो मैं जान लूंगा। राजा राजा आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। गृह ब्रह्मन होकर के राजा मुझे भी मालूम है और हमने भी सुना हो आपने कितने हीरा मोती दान करते हैं, फिर भी आपने संतुष्ट नहीं होता है राजा। इसलिए आपका नाम सुनते ही मैंने आया हूं आपसे कुछ लेने के लिए। अहो भाग्य है मेरा जो संत और परमात्मा का मिलन। हरिश्चंद्र तपोवन से अइलो हो राजा, राजा तारा बारा हो ऐ ताये ठकानाये बाबा, बचना कराना हो राजा करा तीसरा। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो चुके हुए। आसन ग्रहण करिए महाराज, थोड़ा सेवा करो गुरुदेव। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। हे राजा ठीक है ठीक है। क्या आपको बोलने से पहले मैं मांगू राजा? राजा मांगू राजा? अवश्य। आप मेरा यह संपत्ति नहीं है आप लोग का है, ना तो मैं लेकर के आया था ना लेकर के जाऊंगा, जो मिला यही मिला, जो रहेगा यही रहेगा प्रभु। इसलिए हे प्रभु, राजाओं का धर्म होता है जो प्रजा और समाज ब्राह्मण साधु गौ का रक्षा करना, मेरा कर्तव्य है। गौ सिंह एक ही साधु नमाती है। जेही चाकुस नारायण नारायण अबल रवि कुलराज ताई देत हरिश्चंद्रन विश्वामित्रैया। जो आपका इच्छा हो वह मान सकते। ठीक है राजा, आपने देने के लिए तैयार है राजा? राजा चलो मेरे हाथों को बढ़ा दो दक्षिणा के रूप में, सात बार सोना दक्षिणा के रूप में, जल्द करो। ये क्या करे हैं भगवान आप? पहिले ये दाना ये मांगले राजा हरि चंद्रसेन बाबा छी यो राजा जी सात भा बाबा मांगी अब सापन
तो आप दान के लिए पहले दान किया जाता है उसके पश्चात दक्षिणा। राजा राजा कौन कहता है पहले दान किया जाता है उसके बाद दक्षिणा मांगा जाता है। राजन क्या अभी तूने भूल गया? राजन भूल गया? राजन रात में तूने किसी पुत्र को तीन तोला माटी दान किया था। राजन बोलो। राम धल दास सही बात है। अवश्य प्रभु, स्वप्न में मैंने एक भिक्षु ब्राह्मण को तीन तोला मीठी दान में दिया था। किया था? अपने मुंह से बोलो, किया था? तोड़े तीन तोला माटी का अर्थ मैं बता देता हूँ। आकाश पाताल और मृतलोक यानी तीनों लोक तुम्हारा दान हो चुका। राजा ठीक कहता है। राजा उसी महा दान का तैचना होता है 60 वर्ष। 60 वर्ष सर, ठीक कहता है रामटाल दास। महादान का महादक्षिणा होता है राजन। दो गुरुदेव बोलो, क्या तीन तोला मीठी का अर्थ तीनों लोक मेरा दान हो चुका? हाँ राजन, राजन अगर नहीं हुआ अफसोस होता है तीन तोला माटी का। कह दो मैंने स्वप्न में किसी पितृ को दान नहीं किया हो तो मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। राजन चलो राम रघुकुल रे सदा चल जाए प्राण जाई पर बचन न जाई। गुरुदेव बोलो, आज तक इस वंशज में सूर्य वंश में कोई राजा कलंक लगा के नहीं गया है और रघुकुल का यही रीति सदा से चला आ रहा है। टूटना जानता है लेकिन झोंकना नहीं। ठीक है राजा, क्या मैं अपने वो जनकुल पर मिथ्या लगा दूं? आप कहते हैं तीन तोला मीठी स्वप्न में दान किया था, तेरा तीनों लोक दान हो चुका, नहीं हुआ तो कह दो मैं स्वप्न में दान क्या राजा, क्या मैं झूठा बोलूं? आप अगर झूठ नहीं बोलता है शतबाजी है, तेरी लेट क्या है राजन? जल्द करो राजन।
जंदी अयोध्या। आज मैं आपके ऊपर मेथ्या वचन बोल करके कलंक लगा, नहीं मां नहीं लगने दूंगा। हे मां अयोध्या जंदी, हे कुल गुरु भगवान, मैं आज से सुख का पोटली अयोध्या में छोड़ता, दुख का पोटली मैं सर पे ले रहा हूं। मैं अपने सत्य पर अटल रहूंगा। हे सूर्य, हे चंद्रमा, हे धरती, हे आकाश, आज मैं तिरसंग को मूत्र सत्य कर रहा हूं। कर दूंगा, यह नीचे खजाने से मेरे साथ बार सर मुद्रा दूंगा। तेरा जमीन में मैंने खरीद चुका हूं, आप लोग बताइए इसका जमीन मैंने खरीद लिया हूं और जमीन में पौधा लगा हुआ है। जमीन जब मेरा हुआ तो पौधा किसका हुआ? राजेश, जमीन अयोध्या का जमीन मेरा और पौधा तुम्हारा हो गया राजन। क्या तिजोरी का चाबी लो मंत्री, ऐ राम ढालदा खजाने से ला करके दो। राजन, जमीन हमारा है, पौधा भी हमारा है, आप राजन है, आप न्याय करते हैं हम लोग, इस बात का आप ही न्याय कीजिए राजन। ऐ राम ढालदा, मुनि को सुषमाला क्रोधित हो, धन को सित तेरा खाती है, ला कर दो इन्हें खजाने से, ये कहते सर्व में आते बाबा कुछ में भेद गलत गलती है बाबा है। सब
बोलो राजन। ठीक है शारा न अयोध्या राज न महल अटारी न खजाना मेरे पैर का तरीका यह धरती माँ भी नहीं बचा फिर भी मेरा आत्मा राम जिंदा हे गुरुदेव बेच रे है दारा सुमना